हेलो दोस्तों, दिन के टेबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर कोरिया नाम का एक देश के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बाकी दुनिया से अलग रहने वाला ये देश हमेशा से अजीबोगरीब वजहों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि वो ऐसे जगह पे रहे जहां पे सारे सुख सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन दोस्तों, उत्तर कोरिया के एक ऐसा गांव है जहां सारे सुख सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद यहां एक भी इंसान नहीं रहता है। पर ऐसा क्यों? क्या लोग बेवकूफ हैं या पागल? क्या वजह है कि यहां सारा कुछ फैसिलिटीज होने के बावजूद यहां एक भी इंसान नहीं रहता है? पूरी बात जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, उत्तर कोरिया का इस गांव का नाम है किजोंगडोंग। खूबसूरती के मामले में इस गांव का कोई तोड़ नहीं है। इस गांव में आलीशान इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट इत्यादि समस्त सुविधा उपलब्ध है। बताया जाता है यहाँ सारी सुविधा होने के बावजूद यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है। दोस्तों, ये किजोंगडोंग गांव साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के एरिया में अवस्थित है। 1950 में शुरू हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का युद्ध 1953 में खत्म हुआ था और युद्ध का खत्म होने के बाद इस गांव का निर्माण किया गया था। कई लोग इस गांव को प्रोपेगेंडा विलेज की भी कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि इस गांव का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि बाहर से देखने वाले लोगों को ये लगे कि नॉर्थ कोरिया में लोगों की लाइफस्टाइल काफी लग्जरियस है, यानी कि सुख सुविधा से भरा हुआ है। किजोंगडोंग गांव का निर्माण का किस्सा काफी रोचक है। दरअसल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जब युद्ध का समाप्ति हुआ उसी समय पे इस गांव का निर्माण हुआ। 3 साल तक चले इस युद्ध में 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दोनों देशों को अलग करने वाला क्षेत्र को डिमिलिटराइज्ड एरिया कहा जाता है। युद्ध के दौरान दोनों देशों ने यहां से अपने नागरिकों को हटा दिया था। युद्ध के खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच सहमति से ये तय किया गया दोनों देशों की सीमा पर एक ही गांव का बरकरार रह सकता है, चाहे वो पुराना गांव हो या एक नया गांव बनाया जा सकता है। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा में मौजूद फ्रीडम विलेज के नाम से जाने जाने वाला दाइशांग डोंग विलेज को बरकरार रखा। इस गांव में आज के दौर में करीब 226 लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों को विशेष पहचान पत्र दिया जाता है और रात 11 बजे बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी कि कोई नहीं निकल सकता रात 11 बजे बाद। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने पीस विलेज के नाम से एक नया सा गांव का निर्माण किया जिसका नाम दिया किजोंगडोंग। इस गांव में बच्चों के लिए प्ले स्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अलावा यहाँ लोगों के लिए अस्पताल भी मौजूद है। कई जानकारों के मुताबिक ये गांव एकदम सुनसान सा है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। लेकिन लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए रोजाना इस गांव के घरों में लाइट जलाई जाती है और सड़कों पर सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस गांव में कोई एक भी लोग दिखाई नहीं देता। इसके अलावा गांव में एक बड़ा सा टावर जैसा पुल आपको देखने को मिलेगा जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा ऊंचाई वाला कोई चीज माना जाता है, जिसकी हाइट है 525 फीट। हालांकि इस गांव के बारे में कई सारी चीजें अभी तक बाहर की दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है, हमेशा के लिए एक रहस्यमय बात बनकर रह गई है। उत्तर कोरिया के सरकार ने
1991 में एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें ये कहा था कि इस गांव में 200 लोग रहते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये नॉर्थ कोरिया के इस रहस्यमयी गांव के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।